टिश्यू देना। इसलिए बंद गोभी लिया, मिर्ची भी। सबसे पहले आपने ब्रेड का टावर बना लेना है। गर्म पानी, ये रमजान है तो कुकिंग ही चल रही हो। मरीम का हाथ जल गया था, आज कट गया, दर्द हो गया इतना गया। क्या तो, क्या फील कर रहे हैं आप बताएंगे? तो आज अशराए रहमत भी ख़त्म हो रहा है, आज जिसमें रोजे की सहरी है और यहाँ पे मैंने वजू किया और अब हम अपनी सहरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अदर वीडियो एंड ब्यूटीफुल डे। सो सहरी के बाद हमने डायरेक्ट जंप किया है, सहरी के बाद हमने डायरेक्ट जंप लिया है जोहर के टाइम पे। और बस उठी हूँ मैं और नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, अब बस इफ्तार की तैयारी करेंगे और जो भी होगा आपके साथ वो शेयर करती हूँ। मुझे बस करना ही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गेट स्टार्टेड। और बाहर मौसम बहुत ख़राब हुआ हुआ है, काली के टाइम से आई हुई है और अंधेरा लग रहा है दिन के टाइम पे भी। और सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि कपड़े पहनने में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि लॉन पहनो या गर्म कपड़े पहनो, क्योंकि बारिशों की वजह से इतनी सर्दी हो गई है। खैर मौसम है तो प्यारा, इस वजह से रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन फसलों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले सब चने निकाले थे और ये इतना कचरा हो गया यहाँ से। एक तो ये सब्ज़ी इतना टाइम लेती है, ऊपर से कचरा भी बहुत करती है। और ये देखें कितना खूबसूरत कंट्रास्ट लग रहा है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब हम अपनी इफ्तार की तैयारी करते हैं शुरू। अच्छा ये ना मैंने पढ़ा था कहीं पे कि लेमन को पानी में रखने से ये ज़्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पानी में लेमन डालूंगी और इसको फ्रिज में रख दूंगी। इससे हमारे लेमन जो फ्रेश रहेंगे, सूखेंगे नहीं। ये मैंने पहले भी ट्राई किया है और ये वाकई में वर्क करता है, तो लेकिन 2-2.5 हफ्ते तक फ्रेश रहेंगे, उसके बाद ही गल जाएंगे पानी में। ऐसे तो लेमन फ्रिज में हफ्ते में ही सूख जाते हैं, तो अब मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त टिप है ये। आज इफ्तार मेन्यू में मैं सैंडविचेस बना रही हूँ, उसके लिए मैं प्याज काट रही हूँ। काटते काटते मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि मेरी आंखों में इतना चुभ रहा था कि बस मैंने ब्रेक ले लिया यहाँ पे। मैम टिश्यू देना। मरियम बंद गोभी दे दे, बंद गोभी पता नहीं। हाँ जी मरियम अंडे बॉयल हो गए। और यहाँ पे मैंने स्ट्रेट चिकन लिया, प्याज लिया, बंद गोभी लिया और मिर्चें भी काट ली हैं। और यहाँ पे मैंने 2 अंडे बॉयल कर लिए। अब हम सबसे पहले अंडों को मैश कर लेते हैं और फिर इसमें सारा कुछ ऐड करते हैं। अंडे हमारे मैश हो गए हैं, इसमें चीज़ें ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें स्ट्रेट चिकन डालती हूँ। अब इसमें जाएगा प्याज, बंद गोभी और हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी। नमक मैं बहुत डरते हुए डालती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को मुझसे शिकायत ही रहती है कि भाई ये स्पाइसी नहीं होता है, फीका ही रहता है, लेकिन मैं उनकी वजह से ही कम रखती हूँ कि ज़्यादा हो गया तो कोई हल नहीं है मेरे पास। और यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिए, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। बस हम इसमें नमक और काली मिर्च ही डालेंगे और कोई मसाला ऐड नहीं करना है। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जाएगी मायोनीज जो कि हमने घर में बनाई है। हम जब भी यूज़ करते हैं तो घर में फ्रेश मायोनीज बना के यूज़ करते हैं। आपको मेरी चैनल पे मायोनीज की रेसिपी भी मिल जाएगी आप। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मायोनीज डाल लूँगी और फिर हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इसमें मैंने ना बारीक बारीक टमाटर भी काट के ऐड किए थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो मैंने बाद में डाले थे। तो ये एक बहुत ही यमी सा बैटर बन गया था सैंडविच के लिए। और सैंडविच की रेसिपी मैं दूसरी बार अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे, पहले भी मैं एक बार अपलोड कर चुकी हूँ सैंडविच की रेसिपी। अच्छा ये क्या है? और सबसे पहले आपने ब्रेड का टावर बना लेना है, इससे ना आपकी सैंडविचेस अच्छे बनेंगे। और आज बनेंगे बंद गोभी के पकौड़े, क्योंकि आज बंद गोभी का दिन है।
तो यहाँ पे मरियम बंद को भी काट रही है। और ये इसने ना बेसन घोल के रख भी लिया है और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं खुद बिज़ी थी। और बेसन पहले घोल के रख लो तो पकौड़े जो क्रिस्पी बनते हैं। और यहाँ पे हमने सब्ज़ी भी बना के रख ली हुई है और आज बनेगा गोभी गोश्त। और यहाँ पे गोश्त गलने के लिए रखा हुआ है। और अब मैं चूल्हे पे रखती हूँ तवा और अपनी ब्रेड को मैं गर्म कर लेती हूँ। हम बना रहे हैं क्लब सैंडविचेस, ठीक है। इसके लिए हम सारी ब्रेड को पहले गर्म कर लेते हैं और फिर मैं सैंडविचेस बनाना शुरू कर देती हूँ क्योंकि टाइम अब कम रह गया है। और मेरा और मरियम का कंपटीशन हो रहा है और यहाँ मैं उससे बात कर रही थी कि अब देखते हैं तुम्हारे पकौड़े पहले बनते हैं मेरे सैंडविचेस पहले बनते हैं। अब सबसे पहले मैं ब्रेड के जो एक्स्ट्रा किनारे होते हैं ना वो उतार लेती हूँ कुछ इस तरह से। और अब मैं सारी ब्रेड के किनारे पहले उतार के रख लूँगी और फिर मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी बनाने में सैंडविचेस। एक हाथ से इस तरह उतारे जाते हैं किनारे। यहाँ पे मैं आपको एक सैंडविच बना के दिखा देती हूँ, बाकी मैं ऑफ कैमरा बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एक स्लाइस पे केचप लगा देंगे। पानी बना रहा है, फिलिंग हो गई। अब हम दूसरे स्लाइस इसके ऊपर रखते हैं। Where is knife? और अब हम इसको बीच में से काट लेंगे और सैंडविच की शेप दे देंगे। लुक एट दिस गाइस, बटर हमारा वाकई बहुत अच्छा बना था, इट वाज सो यमी। तो यहाँ पे मेरा एक सैंडविच तो हुआ रेडी और अब हम बाकी सैंडविचेस भी बना लेते हैं। तो मैं अपना काम ख़त्म करके किचन में आई हूँ और यहाँ पे पकोड़े भी बन चुके हैं। अब बस मिर्चों के पकोड़े जो हैं वो रहते हैं। आज मैंने बनाए हैं मिर्चों के पकोड़े जो कि हमारे घर में सबके फेवरेट नहीं, मेरे और पापा के फेवरेट हैं। इसको कट लगा लेना था ना, अंदर तक चला जाता बिल्कुल नहीं, फिर वो अंदर तक का ही चला जाता। आपको नहीं बताती, ऐसे इसकी टक्कियाँ लगा लगा देता है, इतना मज़ा आएगा। और मुझे अब याद आया कि हमारी दही की चटनी जो है वो रहती है अभी बनाने वाली। तो यहाँ फ्रिज से मैं दही निकाल रही हूँ और दही में बस हम चार मसाला और नमक ऐड करेंगे और चटनी इज़ रेडी। इस चटनी के बगैर हम पकोड़े खाते नहीं हैं, इस चटनी का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसी चीज़ की रेसिपी अभी तक मैंने अपने चैनल पे शेयर नहीं की है। और मैं अपने स्टाइल में हम कैसे बनाते हैं मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। और really? हाँ तो बनाना तो मैं नहीं है, पर लगा देना अपना नाम भी। मैंने बनाई है अपने चैनल पे चाय की रेसिपी। और अभी मैं और यहाँ पे मरियम ना साल के बाद मैंने बर्तन साफ कर रही हूँ। और इधर हमारी हांडी बन रही है और ये चाय बन रही है। चाय में चमचा लगा रहे तो ये भी साबित होता है क्या चाय कौन बना रहा है। मैं बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब आ गई है चमचे। मैं ही बना रही हूँ। चलिए अब तुम कप्स में डाल के ले आना, मैं जा रही हूँ। मैं मरियम को बोल के ना रूम में आ गई थी, अब वो चाय लेके आई है और अब हम चाय पियेंगे। उतारी के बाद बहुत आंखें बंद हो रही होती हैं, बहुत थकावट फील हो रही होती है, इसलिए चाय की बहुत ज़रूरत होती है। अफ्तारी हमने कर ली है और मैं पी रही हूँ अपनी अफ्तार के बाद वाली चाय है। और आजकल तो मेरे ब्लॉग में फूड ही फूड है क्योंकि रमज़ान है तो कुकिंग ही चल रही होती है सारा दिन घर में, तो उसी के ब्लॉग होंगे। और जैसे जैसे ईद करीब होगी मैं स्किन केयर की वीडियोज़ भी बनाऊँगी क्योंकि खाने के साथ साथ ईद पर अच्छा लगना भी तो ज़रूरी है। और मैं तो आपके साथ अपनी सैर अफ्तार शेयर कर रही होती हूँ। आप लोग अफ्तार में क्या क्या बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और जैसे कि सबके घर में एक चीज़ मस्ट होती है कि वो हर रोज़ बनती है, जैसे हमारे घर में पकोड़े मस्ट हैं कि वो हर रोज़ बनते हैं, और उसके साथ कोई भी चीज़ हो जाती है, दही भले, चाट, एनी अदर थिंग। ज़रा आप लोग बताइएगा कि आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मस्ट डेली बनती है। तो अब हम अपनी चाय इंजॉय करते हैं और उसके बाद मैं नमाज और तरावी के बाद डिनर करूँगी। और यहाँ पे ना मरियम का शीशा रखते रखते ना आज मरियम का हाथ कट गया, उस दिन मरियम का हाथ जल गया था, आज कट गया, दर्द हो गया, इतना गहरा कट लगा, मेरे इतने जोर से लगा शीशा, इतना फूड कलर लगाया हुआ है, फूड कलर अच्छा, ये देखो, ये देखो कट लगा हुआ लंबा सा फूड कलर, अभी खून निकलेगा, बस कर देल, बस खून ही नहीं, देखो वो देखो सच्चा है, नहीं लगा, लगा कट लगा उसके, ये मैं शीशा रख रही, नहीं शीशा रख रही थी तो उसकी वैसे लगा, तो ध्यान से रखो ना। तो जैन आपका सुबह पेपर है इंग्लिश का, तो अभी आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या क्या फील कर रहे हैं आप बताएंगे? और अभी मैं रात का खाना खाने लगी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जैन आज नींद आ जाएगी तुम्हें। ये खड़ो नंबर 3 मेरी रोल नंबर 3।